पीवीएम ई लर्निंग लाइव में आपका स्वागत है, आपका खैर मकदम है। बच्चों ने ये सबक का पहला पार्ट जो था वो पढ़े थे, समझे थे। बच्चों अब ये सबक का हम दूसरा पार्ट, दूसरा हिस्सा समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, मैंने ये सबक में इससे पहले आपको समझाई थी कि एक लक्कड़हारे की कहानी है इसके अंदर, और लक्कड़हारा जो है वो जंगल में लकड़ियाँ तोड़ने जाता है, और लकड़ियाँ तोड़ने के बाद जो है वो अपना और अपने परिवार का जो है वो गुजर बसर किया करता था उन लकड़ियों को फरोख्त करके बेचकर। और वो जंगल से लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ तोड़कर लाता था। बच्चा इस तरीके से वो अपना और अपने परिवार का गुजर बसर किया करता था, और अपनी जो है वो तमाम बातों को वो पूरा किया करता था। इसी तरीके से उसको जंगल में कुछ छोटे कद के लोग, बालिश बराबर छोटा कद था उनका, उनके हाथ पैर भी छोटे छोटे थे, उनका सर भी छोटा था, और वो जंगल में उनसे, उन लोगों से, छोटे लोगों से उनकी मुलाकात हुई। और मुलाकात में उन्होंने एक दूसरे से बातें भी किए थे, और उनको वो जो छोटे गोने लोग जो थे उनको दाढ़ी भी थी, और वो जो है वो इसके अलावा वो बोला भी करते थे, और वो छोटे से थे, नाटे से थे, खुटी जैसे छोटे से थे। तो अब बच्चों इस सबक को हम अब आगे कंटिन्यू करते हैं। प्यारे बच्चों पेज नंबर 3 देखेंगे, अगला पैर भी कहाँ कहीं बैठे उसे देख रहे थे। वो जो छोटा सा आदमी था वो बैठकर इसे लक्कड़हारे को देख रहा था, वो लकड़ियों का जो है वो गट्ठा बांध रहा था, और वो गट्ठा बांधते बांधते वो जो थे बारिश बराबर के बारिश थे छोटी कद वाले, वो उस लक्कड़हारे को देख रहे थे। बारिश्ते ने जो देखा कि ये बार बार हाथ में फूंकता है तो सोचने लगा कि ये क्या बात है। उस छोटे कद वाले इंसान ने, आदमी ने लक्कड़हारे की ओर देखा, लक्कड़हारे क्या होता
होता है अगली लाइन में। आखिर ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास गए और कहा, आखिर वो लोग जो थे वो ठुमक ठुमक कर यानी अपनी चाल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता भी थी और चल पहुंच जाते हैं। सलाम भाई, जाते ही क्या बोलते हैं लकड़हारे को, सलाम करते हैं। सलाम अल्लाह का कलाम होता है तो वो बोलते हैं सलाम भाई, तो बुरा ना मानो। और ऊपर से एक प्रश्न सवाल और करते हैं उससे लकड़हारे से कि आप बुरा मत मानना, मैं हम जो बोलने जा रहे हैं जरा उसको आप गौर से सुनेंगे, मेरी बातों का हमारी बातों का तुमने बुरा मत मानना। तो एक बात पूछो, अगर आप बुरा ना माने तो मेरा इरादा है, वो छोटी कद वाले आदमी ने कहा, एक बात पूछो मेरा इरादा है, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे, आप मेरी बात तो नहीं मानेंगे। लकड़हारे को जरा से अंगूठे बराबर आदमी को देखकर लकड़हारा जो था वो इस जरा से अंगूठे जैसे आदमी को देखकर ताज्जुब हुआ, हैरानी हुई के देखकर ताज्जुब भी हुआ और लकड़हारे को उनको देखकर हंसी भी आ गई। लकड़हारा जो था वो बौने करके आदमियों को देखकर जो है वो हंसने भी लगा और उसे हंसी भी आ गई और रोकने के बाद उन जो वो बौने जैसे आदमी थे उनसे पूछा, हाँ हाँ हंसना चाहते हो मेरे से तो तुम्हें पूरी इजाजत है, तुम पूछ सकते हो, जरूर पूछो कि तुम्हारे मन में क्या है, बस ये पूछता हूँ कि तुम मुंह से हाथ तमाम बातों के ऊपर नजर रखा हुआ हूँ। आपने लकड़ियों का बड़ा सा गट्ठा बनाया, उसको बांधा, लेकिन उस वक्त बांधते टाइम भी करते टाइम भी जो कुछ भी है वो बार बार आप हाथों के ऊपर फूंक क्यों लगा रहे थे, क्यों लगा रहे हो, फूंकते क्यों हो, फूंक क्यों मारते हो हाथों के ऊपर, ये मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, उस बौने आदमी ने लकड़हारे से पूछा। लकड़हारे ने जवाब दिया, देखो बच्चों लकड़हारा उसकी बात को जो है वो समझ गया और लकड़हारे ने जो है वो उस बौने आदमी को, उस छोटे से आदमी को जो खूंटी बराबर था उसको उसने लकड़हारे ने जवाब दिया। उस वक्त भी सदी बहुत थी, तो लकड़हारे ने उस बौने आदमी से कहा कि भाई सर्दी बहुत है, ठंडा मौसम है, सर्दी बहुत है, हाथ ठीक ठुकरे जाते हैं, सर्दी की वजह से जो है वो हाथ जो है वो एकदम ठिठुरे अकड़न जैसी उनके अंदर आ जाती है, तो इसके लिए जो है वो मुंह से फूंक कर उन्हें जरा गर्म कर लेता हूँ। लकड़हारे का जो मंसूबा था बार बार हाथों को मुंह से फूंक मारता था और फूंक की अंदर की जो फूंक थी वो गर्मास महसूस होती थी और वो जो हाथ है वो सर्दी से जो अकड़ गए थे, ठुटर गए थे, एकदम ऐसे लग रहे थे जैसे बर्फ बर्फ जैसे ठंडे महसूस हो रहे थे, तो थोड़ी सी मैं फूंक मार लेता हूँ। तो लकड़हारे ने समझाया कि जरा सा मैं फूंक लेता हूँ हाथों के ऊपर तो मुझे थोड़ा अच्छा महसूस होता है और फिर मैं दोबारा अपने काम में लग जाता हूँ, फिर ठुटरने लगते हैं, फिर फूंक लेता हूँ, फूंकने के बाद थोड़ा उनमें गर्मी का एहसास होता है, थोड़ा अच्छा महसूस होता है, तो फिर मैं जो है दोबारा काम से लग जाता हूँ और दोबारा मैं अपने हाथों को काम में मसरूफ कर लेता
थोड़ी उनके अंदर जो है वो गर्माश आ जाती है। मियां वालिस्तिया ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया। सुपारी जैसा यानी छोटी सी सुपारी गोल, आपने देखी होगी बच्चों, तो वो गोल सुपारी जैसा जो उसका छोटा उनका कद तो पहले ही छोटा था, तो हर चीज उनकी छोटी छोटी थी, हाथ भी छोटे पैर भी छोटे, हाइट तो बिल्कुल नहीं के कम के बराबर थी, बारिश बराबर थी, अंगूठे बराबर थी, और सर भी जो था उनका सुपारी जैसा था। जैसा सुपारी का आकार आता है, जैसा सुपारी छोटी सी रहती है, उस तरीके से उसका सर भी छोटा था। तो उसने सर को हिलाया, यानी तुम्हारी बात मेरी समझ में आई कि आप फूंक रहे हो तो हाथों में गर्माश आ जाती है। और कहा अच्छा ये बात है। देखो बच्चों, वो सुपारी जैसा सर हिलाने के बाद वो बारिश भर के आदमी ने कहा अच्छा अच्छा ऐसी बात है क्या, ये कहकर वहां से खिसक गए। इतना कहकर वो आदमी जो थे, वो बारिश जैसे आदमी थे, छोटे छोटे कद वाले आदमी थे, वहां से खिसक गए यानी चले गए, खिसकना यानी चले जाना। मगर रहे आसपास ही लक्कड़हारे के वो जो है वो आसपास ही रहे, नजदीक आसपास यानी नजदीक ही रहे, कहीं से बैठे बराबर देखते रहे कि लक्कड़हारा और क्या क्या करता है। बहुत दूर बैठे लक्कड़हारे का पूरा मुआयना कर रहे थे, लक्कड़हारे के ऊपर पूरी नजर रखे हुए थे, देख रहे थे, दूर बैठकर उसकी पूरी कारस्थानी को वो देख रहे थे। अच्छा, इसी वक्त जो है, इसी समय जो है, इतना सब करते करते जो है दोपहर का वक्त हो जाता है। देखो अगला पैराग्राफ देखते हैं हम उसमें। अब यहाँ तक तो ठंडा चला, अब अगला पैराग्राफ देखते हैं अब क्या चलता है। क्योंकि ठंडी की वजह से वो अपने हाथों के ऊपर फूंक मार रहे थे, मार रहा था लक्कड़हारा अपने हाथों को जो है वो और था। इसी तरीके पूरा कुछ वक्त उस जो है अपने हाथों को और काम के अंदर लगाए रखा, और ये तमाम बातें जो है उन बालिश बराबर के जो लोग थे, आदमी थे, वो तमाम नजारा देख रहे थे, तमाम मंजर वो देख रहे थे। लेकिन अब इसके अंदर दूसरा पैराग्राफ आता है। देखो अब ठंडा यहाँ तक क्या आया, अब यहाँ के बाद में गर्म की रुदात कैसी है अब हम इस पैराग्राफ के अंदर पढ़ेंगे और समझेंगे। देखो बच्चों, दोपहर का वक्त आया, लक्कड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। अभी लक्कड़हारे को जो है वो भूख महसूस होने लगी, अभी काम करते करते वो भी थक गया था और भूख भी लग गई थी, तो उसे भूख महसूस हुई और खाने का भी वक्त हो गया था। दोपहर का जो वक्त हुआ था वो खाने का भी वक्त था, तो लक्कड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। उसके पास छोटी सी हांडी थी। हाँ बच्चों, लक्कड़हारे के पास जो है वो छोटी सी हांडी थी, क्योंकि वो अपने साथ कुछ सामान रखता होगा, अगर वक्त बेवक्त अगर उसको भूख लगी तो वो जंगल में कुछ भी सामान मुहैया कर लिया करता था। तो हारा जो है अपने साथ हांडी भी रखा हुआ था, हांडी जो पकाने के सालन बनाने के काम आती है, तो उसके पास जो है वो एक हांडी भी थी। आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा,
लकड़हारे ने जो है आग सुलगाई। आग सुलगाना यानी आग जलाना। आग जलाकर उसने जो है उस हांडी को जो है चूल्हे जैसा बनाया, आग जलाया और हांडी को चूल्हे के ऊपर रख दिया। रखने के बाद गीली लकड़ी थी इसीलिए आग बार बार ठंडी हो जाती। बच्चों देखो, एक खास बात यह है कि सूखी लकड़ी जो रहती है वो आग पकड़ लेती है, लेकिन गीली लकड़ी जो रहती है वो आग आहिस्ता आहिस्ता पकड़ती है, वो आग जल्दी नहीं पकड़ती। उसको बार बार फूंक मारना पड़ती है, बार बार उसको जलाना पड़ता है। उसकी वजह से धुआं भी बहुत होता है और आँखों में भी तकलीफ बहुत होती है धुआं होने की वजह से। लेकिन उसको बार बार झटक झटक कर जो है वो आग को जलाना पड़ता है। वो ठंडी होने की वजह से बार बार आग जो है वो ठंडी हो जाती है। तो जो वो लकड़हारा जो है वो बार बार उसे वो गीली लकड़ी जो है वो ठंडी हो जाती थी। लकड़हारा जो है वो बार बार मुंह से फूंक कर तेज कर दिया करता था ताकि आग जलती रहे। बालिश्ता ने दूर से देखकर अपने जी में कहा, हाँ उस बौने आदमी ने तमाशा ये तमाम नज़ारा देखा और अपने जी में यानी अपने मन ही मन में वो सोचने लगा, अपने दिल ही दिल में वो सोचने लगा और जी में कहा, अब ये फिर फूंकता है। अच्छा, ठंडा था तो भी फूंक रहा था, गर्म करने के लिए भी फूंक मार रहा है, ये दिल में उस नाटा आदमी जो था वो सोचने लगा। क्या इसके मुंह से आग निकलती है? देखो बच्चों, वो जो है दिल ही दिल में सोचने लगा कि बार बार अब लकड़ियों के ऊपर फूंक क्यों मार रहा है, पहले हाथों के ऊपर फूंक मारता था तो अब लकड़ियों के ऊपर भी फूंकता है, तो क्या फूंकने की वजह से इसके मुंह में से आग निकल रही है जो ये बार बार उन लकड़ियों के ऊपर फूंक मार रहा है। आप भी समझ सकते हो बच्चों के जब वो आग बुझ जाती है तो बार बार हमको उसको मुंह से उसके ऊपर फूंक मारनी पड़ती है और फूंकने के बाद फिर वो दोबारा तेज होती जा आग जो है वो दोबारा तेज होती जाती है। मगर चुपचाप बैठा देखता गया। वो जो बालिश बराबर का आदमी था वो ये तमाम नज़ारा जो है, ये तमाम मंजर जो है वो चुपचाप बैठकर तमाम बातों को देखता रहा और मन ही मन में उसके दिल ही दिल में अलग अलग तरीके के सवाल आ रहे थे। वो सोचते सोचते कभी कुछ सोचता, कभी कुछ सोचता, कभी कुछ सोचता, लेकिन वो दूर से ये तमाम नज़ारा देख रहा था। लकड़हारे को भूख ज़्यादा लगी थी। हाँ बच्चों, दोपहर का टाइम हो गया था, खाने का भी वक्त हो गया था और लकड़हारा जो है वो बहुत भूखा था और उसे भूख लगी थी। ऊपर से लकड़ियाँ जलने की मुश्किल थी, लकड़ियाँ भी जल नहीं रही थी और बार बार वो उनके ऊपर फूंक भी मारता था और उसको भूख का भी एहसास हो गया था। इसीलिए चढ़ी हुई हांडी में से उसने जो हांडी के अंदर जो है उसने आलू गलने के लिए रखे थे। हांडी तो रखी, हांडी में पानी डाला, उसमें आलू उसने उबलने के लिए रखे थे। उसने हांडी में से एक आलू को जो है वो निकाला। हांडी में आलू उबलने रखे थे। हाँ, आलू उबले बगैर हम उसको खा नहीं सकते क्योंकि वो उबलने की वजह से उसमें नरमपन आ जाता है और वो पक भी जाते हैं। भले इसके अंदर कुछ ना मिला हो लेकिन वो उबलने के बाद उनके अंदर जो है नशास्ता आमेज चीज़ रहती है तो थोड़े उनमें मीठापन भी आ जाता है। भले उसको अपन कुछ ना मिलाते हुए भी आलू को सादा
खाकर हमारा गुजर बसर हम कर सकते हैं। तो लक्कड़हारा भी जंगल में था, उसे कोई और चीज़ नहीं मिली। उसने जो हांडी में आलू उबाले थे वो आलू जो है वो कुछ उबले कुछ नहीं उबले, लेकिन उसको तो लगी हुई थी भूख। तो एक आलू को निकालने की कोशिश की, हांडी में से उसने एक आलू निकाला जो अभी पूरे तौर पर पका भी ना था। बच्चों वो जो है पूरे तौर पर अभी पका नहीं था, पका था कि वो पूरे तौर पर बना जाए, तो अगर दबाते ही वो दबने लगे तो और उसके ऊपर की जो खोल है जो छिलका है नरम और नाजुक और पतला होता है, तो अगर वो निकलना चाहे तो निकल भी सकता है। अगर वो निकाले हमने तो उसको निकलना यानी उसका मतलब ये होता है कि आलू पक गया है, ये हमारी समझ में आ जाती है बात। तो वो जो है वो निकाला लेकिन वो कुछ पक्का कुछ कच्चा ऐसा था। तो ये तरीके से उसने निकाला तो सही, भूख तो लगी थी उसको और वो खाने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो आलू जो है वो पूरा पक्का नहीं था। तो देखो बच्चों लक्कड़हारे को भूख जोर में लगी थी, उसने निकाला लेकिन जो वो हांडी में से जो भी पूरे तौर पर पका नहीं था। आलू तो निकाल लिया उसने, उसे खाना चाहा तो वो ऐसा गर्म था जैसे आग। बच्चों वो उबला हुआ पानी उसके अंदर आलू और गरम, तो जैसे ही उसने निकाला उसको ऐसा महसूस हुआ लगा कि ऐसा लग रहा है जैसे ये आग जैसा इसके अंदर भरा हुआ है, आग है। सच्ची बात है, जो भी हम गर्म चीज़ अंदर से भगोने में से निकालो, हांडी में से निकालो, कायने से भी कुकर में से निकालो, तो वो आग जो है वो चीज़ जो है वो गर्म रहती है, और वो गर्म की वजह से जो है हमें महसूस होता है कि ये चीज़ बहुत गर्म है। लेकिन थोड़ी देर हमको उसको रखते हैं फिर उसमें थोड़ा ठंडापन आता है। लेकिन लक्कड़हारा जो था उसको बहुत तेज की भूख लगी थी और वो भूख बर्दाश्त नहीं कर रहा था, तो थोड़ा कच्चे पक्के जब आलू निकाला था उसने उसको वो खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो था बहुत गर्म क्योंकि वो उबलते हुए पानी में से निकला हुआ था, वो गर्म था। गर्म होने की वजह से उसे फिर लक्कड़हारा फूंक मारने लगा, और फूंक मारते मारते वो बौने लोग जो थे वो छोटे कद वाले लोग जो थे वो बड़े गौर से उसका नज़ारा देख रहे थे, बड़े ताज्जुब से उसको देख रहे थे। छोटे कद के आदमी आश्चर्य से उसे देख रहे थे कि ये ठंडी में हाथों के ऊपर फूंक मार रहा है और अब गर्म आलू है तो इसको भी ऊपर फूंक मार रहा है, तो ये फूंक का यानी क्या मसला क्या है, ये फूंकने का मसला जो है वो समझ में नहीं आ रहा था। और वो मन ही मन में हंस भी रहे थे, देख भी रहे थे और सोच भी रहे थे कि अब ये लक्कड़हारे से हमें पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। अच्छा बच्चों, तो ऐसा गर्म था कि जैसे आग, वो आलू जो है वो उबलते हुए पानी में से निकला, पानी अपनी एक उंगली और अंगूठे से दबाकर तोड़ा। लक्कड़हारे ने जो है बड़ी मुश्किल से अपनी एक उंगली और अंगूठा, सीधी उंगली और अंगूठा दोनों मिलाए और दोनों मिलाकर उस आलू को उसने दबाने की कोशिश की, और आलू जो है वो दबने के मूड में नहीं था क्योंकि आलू गला हुआ नहीं था। आलू गला हुआ रहता तो वो जैसे ही दबाता वो दब जाता था और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, लेकिन आलू में सख्तपन था और वो थोड़ा गर्म भी था क्योंकि उबले हुए पानी में से निकाला गया था बच्चों वो आलू, तो वो दबाने की कोशिश कर रहा था उंगली और अंगूठे से, तोड़ा और मुंह से फूंक फूंक करके फूंकने लगा। हाँ प्यारे बच्चों, वो जो है मुंह से फूंक फूंक करके
करके जो है वो अपने लगा। आलू जो था वो गरम था, गरम आलू को वो जैसा तैसा करके फूक फूक करके फूकने लगा। इस तरीके से जो है आलू खाने की वो कोशिश करने लगा। ये तमाम नज़ारा जो है वो ये लोग जो सामने बैठे हुए थे बारिश बराबर के वो देख रहे थे, छोटे से लोग जो थे वो देख रहे थे। बच्चों इसके आगे का पैराग्राफ मैं आपको पूरा कंटिन्यू अभी ही कराऊंगी और समझाऊंगी भी, लेकिन एक अपन जो है थोड़ा सा इसके अंदर संजाल जो है वो पूरा करने वाला जो है वो देखते हैं। वो बौने लोग जो थे उनकी क्या विशेषताएं थी, क्या थी उनकी विशेषताएं। ये चार इसके अंदर बॉक्स बने हुए हैं, चार राउंड बने हुए हैं। ये चारों राउंड के अंदर अपनों को जो है वो उनकी विशेषताएं लिखनी है, उनमें क्या खासियत थी, क्या विशेषता थी, इन चारों बॉक्स के अंदर इनको लिखना है। अपना ग्रुप तो बना हुआ है बच्चों, इंशाल्लाह हम उस ग्रुप के ऊपर आपको इसके बारे में पूरी मालूमात दे देंगे। और देखो बच्चों पाठ में जो कुछ सर्दी से मिलते जुलते शब्द जो है वो उसके सर्दी के संबंधित शब्द जो है वो इसमें भी दो बॉक्स है, लेकिन इसके अंदर दो दो लाइनें उत्तर लिखने के लिए, दो लाइनें ऊपर दो लाइनें नीचे, एक बॉक्स में दो दो लाइनें बनी हुई हैं। तो इसके अंदर भी अपनों को यानी कुछ लिखने का, सर्दी से जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, जो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं वो इस बॉक्स में डालने के। अच्छा बच्चों एक है सही गलत नीचे, आया समझ में, उसको जुमले को सुधार कर भी लिखने का है। हाँ तो बालिश किया क्यों, खाना बनाने की फिक्र हुई, सही बात है क्या, उसे फिक्र हुई कि खाना बनाने की, क्यों फिक्र हुई उसे खाना बनाने की, क्योंकि दोपहर का वक्त हो गया था और उसे भूख भी लगी हुई थी और उसे खाना तो तैयार मिलने वाला नहीं था, क्योंकि वो खा अपना पेट की जो भूख है वो मिटाने के लिए उसे खुद को कोशिश करनी थी। इसके लिए हकीकत है, सही है, ये जुमला जो है वो सही है कि खाना बनाने की फिक्र बारिश को लकड़हारे को हुई, लकड़हारे को हुई कि ये बौने आदमी को हुई। तो ये जो बात है ये बौने आदमी को नहीं हुई, लकड़हारे को ये बात की फिक्र हुई कि भाई खाना बनाना है। वो नन्ही कद वाले इंसान को हुई के फिक्र नहीं, तो ये जुमला जो रहना वो गलत रहेगा। सर्दी के कारण लकड़हारे के हाथ ठिठोरे जाते थे, बराबर है, सही बात है ना, हाथों में अकड़न पैदा हो गई थी ना लकड़हारे के सर्दी के वजह से, सर्दी के वजह से उसके हाथ जो है वो उनमें सुन्नपन आ गया था और वो ठिठोरे जाते थे। बिल्कुल जुमला जो है वो सही है, लकड़हारा एक भला मानस था, अच्छा आदमी था, लकड़हारा जो है वो अच्छा आदमी था, ये जुमला सही है। बारिश्ता के पास एक छोटी हांडी थी, नहीं इसके पास छोटी हांडी थी, लकड़हारे के पास छोटी हांडी जो थी वो लकड़हारे के पास थी, बारिश्ते के पास नहीं थी। वो छोटे कद वाले आदमी के पास हांडी नहीं थी, हांडी जो थी वो लकड़हारे के पास थी। तो इस तरीके से ये चारों जुमलों को जो है अपनों को सही गलत के रूप में लिखना है। बच्चों वचन परिवर्तन और वाक्य, आया समझ में, दीवार महिला लकड़हारे उंगलियां हाथ, बराबर एक दो तीन चार पाँच, पांच शब्द दिए गए बच्चों इसके अंदर, और ये पांचों शब्दों का वचन बदल कर परिवर्तन करके
इनको जो बच्चों को भी बनाना है और वाक्य भी बनाना है। तो इंशाल्लाह अपन इसको कढ़ाई का हम देखते हैं, उसी से ठंडा उसी से गर्म। पहले तो ठंडा होगा फिर अब उसी से गर्म, उसी से ठंडा उसी से। कढ़ारे और उस बौने आदमी के बीच की गुफ्तगू के हिसाब से था। तो देखते हैं बच्चों, तो ये जो है वो फिर ये तमाम वो फूक फूक कर जो चीज़ें देख रहा था, फूक फूक ठंडी के लिए भी फूक रहा था लकड़हारा हाथों के ऊपर, और गर्मी के लिए भी वो हाथों के ऊपर वो आलू के ऊपर वो फूक रहा था, लकड़ियों के ऊपर वो फूक रहा था। इस तरीके से ये तमाम चीज़ें जो है वो फूकने की कोशिश करके कभी गर्माता था कभी ठंडा करता था, कभी गर्माता था कभी ठंडा करता था। ये तरीके से वो जो है काम किया करता था। बारिश ने फिर मन में कहा ये फिर फूकता है। ये नज़ारा देखकर लकड़हारे की जो तमाम बातों को देखकर वो बौने आदमी को फिर ख्याल आया कि और ये फूक रहा है, क्या वजह से ये फूक रहा है, अब क्या इस आलू को फूक कर जलाएगा। क्या करेगा क्या नहीं करेगा खुदा जाने। दोनों भी काम में ये फूकने का ही काम कर रहा है, गर्म करने के लिए भी फूक रहा और ठंडा करने के लिए भी फूक रहा। अब कैसा करेंगे ये समझ में नहीं। और उसको वो फूक मार मार के खाने की कोशिश कर रहा था, आलू जला नहीं था। थोड़ी देर फूक फूक करके लकड़हारे ने उसे अपने मुंह में रख दिया। थोड़ी देर आलू के ऊपर उसने फूक 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 किया, फूक मारा। फूक मारने के बाद जो है वो लकड़हारा जो था फूकते फूकते आलू को उसने थोड़ा ठंडा किया, और ठंडा करने के बाद जो है उसने अपने मुंह के अंदर जो है वो आलू को रख लिया, गप गप खाने लगा। गपा गप जो है वो खाने लगा, यानी जल्दी जल्दी वो है वो आलू को, क्योंकि आलू गर्म भी था और वो सोच भी रहा था कि यह आलू मैं खा लूँगा तो मेरी जो भूख है वो मिट जाएगी कम हो जाएगी, तो वो जल्दी जल्दी खाने की कोशिश करने लगा। अब तो इस बारिश तय की हैरानी का हाल ना पूछो। वो जो बौना आदमी था उसकी ये तमाम नज़ारा देखने के बाद उसको बहुत हैरानी हुई, बहुत मन ही मन में सोचने लगा कि अब क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। ये उसको कश्मकश में वो मुब्तला था। अब क्या पूछूं मैं, हैरानी का हाल उसका देखकर इतनी हैरानी उसे महसूस हो रही थी। वो ठुमक ठुमक कर फिर लकड़हारे के पास आया। वो अपनी चाल को जो है वो ठुमक ठुमक कर जो है वो लकड़हारे के पास में जो है वो आया, और लकड़हारे के पास आने के बाद में लकड़हारे से फिर कुछ वो सवाल पूछने की कोशिश कर रहा था। देखो क्या सवाल पूछता है। आया, सलाम भाई। दोबारा उसने तमाम नज़ारा तो देखा ही देखा, फिर उसने कहा सलाम भाई लकड़हारे को। उस बौने आदमी ने, इस छोटे करवाले आदमी ने, सुपारी जैसा जिसका सर था उस आदमी ने फिर दोबारा सलाम किया। सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। दोबारा उसने वही सवाल किया उस लकड़हारे से और कहा कि अगर मेरी बात का तुम बुरा ना मानो तो मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूँ। ऐसा लकड़हारे को उस बौने आदमी ने पूछा। लकड़हारे ने कहा बुरा क्यों मानूंगा, पूछो।
मैं बुरा क्यों मानूंगा? तुम्हारी बात का मैंने इससे पहले बुरा माना? तो मैं बुरा बुरा मानूंगा? नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। तुम जो सवाल पूछना चाहते हो मेरे से, तुम वो सवाल पूछ सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। लकड़हारा उसकी बात को बड़े गौर से सुन रहा था। बालिश ने कहा, अब इस आलू को क्यों फूंकते थे? पहले तो सर्दी के लिए हाथों को फूंक रहे थे, और सर्दी के लिए हाथों को फूंकने के बाद अब तुम और जो है ये आलू को आलू के ऊपर फूंक क्यों लगा रहे थे? तुम पहले सर्दी के लिए हाथों पे फूंक लगाए, अब आलू गर्म था, आलू को फूंकने के लिए तुमने फूंक लगाए। तो मुझे हैरानी हो रही है बातों से, ताज्जुब हो रहा है ये बातों से कि क्या वजह है। इधर भी फूंक रहे, इधर भी फूंक रहे, इसके लिए मैं तुम्हारे पास आया ये सवाल पूछने के लिए। लेकिन तुम मेरे सवाल के जवाब देते वक्त, या मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, तो कहीं तुमको ये बात का बुरा तो नहीं लग रहा ना? मैं जो सवाल पूछूंगा उस बात का तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा, बुरा तो नहीं महसूस हो रहा ना? ऐसा वो बोलने लगा। अब इस आलू को क्यों फेंकते थे? ये तो खुद बहुत गर्म था, उबला हुआ आलू था, गर्म आलू था, और इसको भी फूंक रहे तुम, इसके ऊपर भी फूंक मार रहे, इसको भी फूंकने की कोशिश कर रहे, जो ठंडा था उसको भी फूंके, अब आलू को भी फूंकने, क्या वजह है? ये तो खुद ही पहले से गर्म था, इसको फूंकने की क्या गरज थी? इसे और गर्माने से क्या फायदा? हाथों को गर्मा रहे तो फूंक मार कर, ठंडी से जो है वो अपना दिन में आ गई थी, उनको फूंक फूंक मार कर जो है वो गर्म कर रहे थे। लेकिन अब गर्म तो कर रहे थे, लेकिन अब आलू तो खुद ही गर्म था, फिर उसको फूंक मार रहे, फिर ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं उसको। इससे गर्माने से उसको और उसको ऐसा लगा कि और गर्मा रहा कि आलू को वो लकड़हारा उस बॉल ने छोटे कद वाले आदमी को महसूस हुआ, नहीं नहीं तो अब इसको गर्मा के क्या फायदा है? बोले गए, नहीं मियाँ, ये आलू बहुत गर्म है। लकड़हारे ने उस बालिश भर के आदमी से कहा, नहीं नहीं मियाँ, ये जो है ना ये बहुत गर्म है, ये उबला हुआ आलू है, और आलू जो है वो बहुत गर्म है, इसके लिए मैं इसके ऊपर फूंक मार रहा हूँ, फूंक रहा हूँ, मैं इसे मुंह से फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। मैं जो है इसे फूंक कर, हाथ ठंडे थे तो फूंक कर गर्म कर रहा था, अब ये गर्म है तो मैं इसे फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ, ऐसा उस लकड़हारे ने कहा। ये सुनकर मियाँ बालिश किए का मुंह पीला पड़ गया, एकदम ताज्जुब हुआ उसे, हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ उसे कि आए कभी ऐसा, कभी ऐसा, कभी कहते गर्म को ठंडा कर रहे, कभी कह रहे ठंडे को गर्म कर रहे, तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। एकदम उसका चेहरा जो था वो पीला पड़ गया। ऐसा कोई ऐसी हैरानी जैसी बात होती है तो एकदम हम भाग हैं और समझते हैं, तो जो है वो बालिश बराबर का जो आदमी था वो भी हैरानी से लकड़हारे को देखने लग गया। वे डर के मारे थर थर कांपने लगे। वो जो लोग थे वो बौने लोग थे, वो डर के मारे जो है वो थर थर कांपने लगे कि क्या बात है भाई, ये कभी ऐसा कभी ऐसा, अभी पूछो तो कैसा जवाब है, अभी पूछो तो कैसा जवाब है, तो ये दोनों में क्या सही है? समझ में तो नहीं आ रहा है, क्या बात है क्या नहीं बात है। बराबर पीछे हटते जाते थे, थर थर कांपते जाते थे वो, और वो पीछे की तरफ भी जो है वो हटते जाते थे। जरा सा आदमी यूं ही देखकर हंसी आई, लेकिन इस थर थर कांप कांप की हालत देखकर तो हर किसी को हंसी भी आए। ऐसी हालत को देखकर जो है वो हंसी भी आती है, और इंसान को समझने में जो है वो परेशानी भी नहीं। अरे उर्दू
थे ना नाजिक सर के पास, वो अपन खाते बना रहे थे ना, चाहिए थे नाजिक सर पास होने थे। तो इस तरीके से जो थी वो ये तमाम बातों को जो था वो देख रहा था, और देखते देखते जो है वो पीछे भी हट रहे थे, थर थर भी कर रहे थे, और पीछे भी पीछे की तरफ भी हट रहे थे, और वो ये लकड़हारा जो है वो ये तमाम बातों को बड़े गौर से देख रहा था, ध्यान से देख रहा था, समझ रहा था। तो जो है देखो आगे देखते हैं बेटे, अपना किसी का हंसी से किसी को हंसी भी आए, रंज भी हो, हाँ हंसी भी आ रही थी और रंज भी हो रहा था, यानी दुख भी हो रहा था। रंज के मायने दुख के होते हैं, रंज यानी दुख। तो वो बौने लोग जो देख रहे थे वो नजारा, उन्हें हंसी भी आ रही थी और दुख भी हो रहा था। उसने आखिर पूछा, क्यों मियाँ क्या हुआ, लकड़हारे ने उन बौने लोगों से पूछा, क्या मियाँ क्या बात है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बोलो तुम क्यों, तुम्हें तुम थर थर भी कर रहे हो और पीछे भी हट रहे हो, कहाँ तक सही है ये बात, सही है क्या ये कि तुम इधर भी देख रहे हो उधर भी देख रहे और अपनी बात को जो है वो मनवाने की, दोनों नज़ारे उन्हें नजर आ रहे थे कि ठंडी के ऊपर भी वो फूंक रहा था और गर्मी के गरम आलू के ऊपर भी वो फूंक रहा था, और ये तमाम नज़ारा जो है वो बौने आदमी जो है वो देख रहे थे। पेज नंबर 4 के ऊपर उनकी तस्वीर भी बताई गई है बच्चों। तो इस तरीके से जो है वो ये नज़ारा देख रहे वो बोलने लगे कि क्या बोला है ये आदमी लकड़हारा, हमारी समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या है और क्या नहीं है, शायद ये न जाने क्या बोला है, शायद कोई जादूगर है। उनको महसूस हो रहा था कि जादूगर जो है अपनी जादूगिरी दिखाता है और लोगों को तमाशा बताता है, तो कहीं ये कहीं जादूगर तो नहीं है कि ये जादू बता रहा है हमें, कभी फूंकता है कभी ठंडे पर भी फूंकता है और कभी गर्म पर भी फूंकता है, ना जाने ये आदमी का कैसा यानी रवैया है, समझ में नहीं आ रहा है, उसी से ठंडा उसी से गर्म उसी से, देखो सबक का नाम आया है बच्चों, उसी से ठंडा उसी से गर्म, हाथ मारकर जो है वो गर्मा रहा है, फूंक मारकर हाथों के ऊपर गर्मा रहा है और फूंक मारकर आलू को भी ठंडा कर रहा है, उसी से गर्म उसी से ठंडा उसी से गर्म, ये तरीके से वो जो है वो बात करने लगे आपस में। हमारी समझ में ये बात नहीं आती, सच तो ये है कि यही बात उन मियाँ बारिश तय की नन्ही सी खोपड़ी में आने की थी भी नहीं। उनकी खोपड़ी इतनी सी सुपारी के जैसी थी ना, छोटी सी सुपारी के जैसा उनका सर था। तो ये जो बात है वो मियाँ नन्हे से बारिश तय की खोपड़ी में, नन्हे लोगों की खोपड़ी में वो बात आने वाली भी नहीं थी। क्यों नहीं आने वाली थी, क्योंकि उन्होंने ये नज़ारे कभी नहीं देखे थे, और लकड़हारा जो है वो ठंडी के लिए भी अपने हाथों के ऊपर फूंक रहा था और गर्मी के लिए भी अपने हाथों के ऊपर फूंक रहा था, और फूंकते फूंकते उसको जो है फूंकते फूंकते उसको ऐसा लग रहा था कि क्या मालूम ये कैसी क्या बात क्या है क्या नहीं है। तो हमारी समझ में तो नहीं आ रहा कि ठंडी के लिए भी फूंक रहा है गर्म के लिए भी फूंक रहा है, तो बस ये फूंकते ही जा रहा है, ये आदमी कोई जादूगर तो नहीं है, आपस में वो बातें करने लगे, क्योंकि उनका जहन जो था उनका सर छोटा था तो उनका दिमाग भी छोटा ही होगा, बराबर बात है, उनका दिमाग भी जो है वो छोटा ही होगा। इस तरीके से वो फूंक कर ठंडा भी कर रहे थे और फूंक कर गर्म भी कर रहे थे।
प्यारे बच्चों, ये तरीके से देखो हमको जो है ये बात हमारी समझ में आती है कि कुछ बातें एक जैसी साबित होती हैं। कुछ करने के लिए हमें दोनों जो बातें हैं सामने रखना पड़ती है, उससे हमें फ़ायदा भी होता है और उससे हमें समझना भी पड़ता है। आप भी अच्छी तरह समझ सकते हो कि हाथों को गर्माने के लिए फूंकना पड़ेगा तब हमारे हाथों में गर्मी आएगी, और हाथों को हम गर्माएंगे तब हम अपने काम आगे के, जैसा वो गट्ठे को बांध रहा था, बांधने के लिए रस्सी जो है वो उसको मजबूत पकड़ के वो बांधने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथ जो थे वो ठंडे थे तो वो बंद रस्सी जो है वो खींची नहीं जा रही थी, बंद नहीं रही थी, और बांधने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है, और वो हाथों में जो थे वो ठंडी की वजह से ताकत नहीं आ रही थी, तो वो ऐसा महसूस कर रहा था कि मैं थोड़ा फूंक मार लूँगा तो मेरे हाथों में गर्माहट आ जाएगी, तो मैं ये जो है ये लकड़ी का गट्ठा जो है वो अच्छी तरीके से मजबूत तरीके से मैं बांध लूँगा, ऐसा उसे महसूस हो रहा था। तो हाथों को फूंका, ठंडी ज़्यादा थी तो, लेकिन फिर आलू गर्म था और उसे भूख महसूस हुई, ज़्यादा भूख लगी, और वो भूख की वजह से खाने के लिए वो जल्दी करने लगा, और जल्दी कर कर भी उसने आलू को फूंकने की कोशिश की, ठंडा करने की कोशिश की, इसी तरीके से उसी से ठंडा उसी से गर्म। ये तरीके से बच्चों आज हमने जो है ये सबक को, इससे पहले अपन ने पहले के पीरियड में जो है पहला पैराग्राफ लिया था, आज अपन ने ये सबक को पूरा कर लिए, और ये तकरीबन अपना दो पीरियड के अंदर ये सबक पूरा हो गया, उसी से ठंडा उसी से गर्म। इस सबक के लेखक जो थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, और डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में मैंने आपको इससे पहले जैसे ही अपना सबक शुरू हुआ था तब मैं आपको इनके बारे में समझाई थी। प्यारे बच्चों, जिस तरीके से इसका जो है ऊपर देखकर इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। प्यारे बच्चों, ये इस तरीके से आज ये हमारा उसी से ठंडा उसी से गरम जो है वो सबक ख़त्म होता है। मुलाकात करेंगे, अल्लाह हमारी और आपकी हिफाजत फरमाए, और हमको और आपको अल्लाह अपनी अमान रखे। इतना कहकर प्यारे बच्चों मैं आपसे रुख्सत लेती हूँ। अल्लाह